जय हिंद साथियों, आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट मैथ क्लासेस 2.0 में, है ना। और आज जो है हम लोग 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन करेंगे, है ना, जिसमें हम लोग को पॉलिनोमियल ज्ञात करना है ना। आपको जीरोस दिया हुआ रहेगा और आपको पॉलिनोमियल ज्ञात करने के लिए बोलेगा, है ना। क्वेश्चन लिख लेना चाहिए था हमको, चलिए कोई दिक्कत नहीं, है ना। फाइंड ए पॉलिनोमियल फॉर विच सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर गिवेन रेस्पेक्टिवली, है ना। क्वेश्चन समझेंगे क्या बोला आपको। एक फाइंड ए, गलती हो गई, अच्छा से लिखा नहीं रहा। ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको ज्ञात करना है, ठीक। आपको फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका आपको, है ना, सम और प्रोडक्ट इसका जीरोज, है ना, जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया है, ठीक। तो गुणनफल और जीरोज और गुणनफल दिया, जीरो का सम मतलब योग और गुणनफल दिया है ना। तो क्या क्या है, ये आपका जो है सम है, ठीक, और ये आपका प्रोडक्ट है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है। ये कैसे करेंगे, आपको गिवेन है, जो दिया है आपको एक बार लिखना पड़ेगा, ठीक। क्या है गिवेन, जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ए आर कौन कौन है, 1/4 और -1 दिया है, ठीक। इतना उसका बाद हम लोग लेट कर लेंगे, लेट लेट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, एंड इसका जीरोज को हम लोग मान लेते हैं, एंड इट्स जीरोज आर, एक को ले लेंगे हम लोग अल्फा और दूसरा को ले लेंगे हम लोग बीटा, है ना, ठीक। समझ में आ रहा, माने है ना अल्फा प्लस बीटा, जीरोज को माने हैं अल्फा और बीटा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को माने हैं हम लोग ये वाला, ठीक। चलिए आपको हमको दिया क्या है ना, दिया क्या है, इधर ही हम बनाते हैं, आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा। आपको क्या दिया है, आपको गिवेन है जीरोस का योग, जीरोस का योग, तो अल्फा प्लस बीटा आपको गिवेन है, अल्फा प्लस बीटा गिवेन है। क्या है अल्फा प्लस बीटा, देखिए 1/4, है ना, और प्लस -1 यही है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा क्या, 1 -1/4 यही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा नीचे कुछ नहीं, मैंने 1 तो नीचे 4, ठीक, 4 × 4 एक माइनस और 1 × 4 4 तो 4, तो आपका आएगा -3/4 यही आएगा ना, -3/4। आपको ध्यान रखना है कि ये माइनस है तो ये होता क्या है, होता क्या है -b/a होता है, बताए हैं सम जब लिखते थे तो -b/a लिखते थे, तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक। माइनस है ना बाहर, चूंकि लगाए नहीं है पहले, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4, है ना, चूंकि और ये हो जाएगा -b/a होता ही है, ठीक। चलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं समझ आए एक बार और ले लेते हैं, समझ में आएगा।
माइनस थ्री है, ठीक। तो ब्रैकेट में क्या है, मैं बी, तो बी जिसका तस बी बाय माइनस, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका थ्री बाय फोर। तो ए आपका है फोर और बी आपका आ गया है ना। चलिए अब प्रोडक्ट एक बार लेंगे, है ना। प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, एक बार लेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा, ठीक। अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा कितना है, वन बाई फोर इंटू माइनस वन, नीचे कुछ नहीं मैंने वन, तो माइनस वन बाई फोर। ये होता क्या था, सी बाय ए, सी बाय ओ होता था, लेकिन हम देखें क्या कि ए फोर है, ए फोर है, ठीक। सी माइनस वन, अब बी थ्री, चलिए आ गया, है ना। तो इसका बाद हम लोग यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना, नीचे यहाँ पर, यहाँ जो है हेयर ए इज इक्वल टू कितना आया, फोर, बी इज इक्वल टू कितना आया, थ्री, एंड सी इज इक्वल टू कितना आया, माइनस वन, ठीक। तो जो आपका रिक्वायर्ड होगा क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल बी क्या होगा, इस फॉर्म में लिखते थे तो ए कितना है, ए देखिए फोर, तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस, चूंकि सब प्लस में, बी थ्री, थ्री एक्स प्लस सी माइनस वन, तो यहाँ माइनस वन आ जाएगा, ठीक, माइनस वन। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, दिख रहा कि नहीं, एक बार देख ले रहे हैं, ओ नीचे हो गया, अच्छा इसको जो है इसको मिटाते हैं, ठीक, अच्छा इसको मिटाते हैं। अब और समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो है ए दिया है आपको फोर, बी थ्री, सी माइनस वन, है ना। तो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा देखिए, ए कितना है फोर, तो फोर एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस थ्री एक्स और माइनस वन, है ना, ए बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दिख रहा, हम पूरा मिटाते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। क्वेश्चन टू चलते हैं, समझ में आएगा आपको अगला क्वेश्चन। दिया है और प्रोडक्ट है ना, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर रूट टू एंड वन बाय थ्री, ठीक। चलिए लेट कर लेंगे, लेट लेट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका एंड इट्स जीरोज
आर एंड इट्स एंड इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। ठीक, चलिए आपको गिवन क्या है, सम दिया है ना अल्फा प्लस बीटा का, है ना, ये आपका जीरोज है और आपको सम दिया है, सम और प्रोडक्ट, सम कितना है रूट टू, तो अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है क्या है रूट टू, ये है आपका माइनस पी बाय ए, बता चुके हैं। ठीक, तो यहाँ हम लिख देते हैं डायरेक्ट माइनस बी बाय ए। ठीक, और दूसरा है आपका अल्फा इंटू बीटा, अच्छा इधर इधर आटेगा का, अच्छा आट जाएगा तो ठीक है, यहाँ पर तो आ जाएगा फिर। ठीक ठीक, और आपको दिया है प्रोडक्ट वन बाय थ्री, ये होता है क्या है सी बाय ए, है ना, ए यहाँ थ्री है। ठीक, यहाँ पर आपका जो है गलती है। ठीक, तो इसको हम लोग एक बार इंटू कर देंगे थ्री से ऊपर और नीचे भी। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका यहीं सॉल्व कर लें क्या, थ्री रूट थ्री बाई थ्री। ठीक, ये हो जाएगा माइनस बी बाय ए। ठीक, ए सेम आ गया। ठीक, तो इधर ही कर लेते हैं, यहाँ जो है ए आपका आ चुका है, ए कितना है थ्री, बी बी देखिए यहाँ माइनस में है ना, यहाँ माइनस है, यहाँ हम नहीं लगाए हैं लेकिन, ठीक तो ये माइनस में है, माइनस थ्री रूट थ्री एंड सी, सी आपका वन है ना, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो रिक्वायर्ड जो द्विघात समीकरण होगा क्या होगा, देखिए ए एक्स स्क्वायर, तो ए वहाँ कितना है थ्री, तो थ्री एक्स स्क्वायर है ना, प्लस माइनस अभी आएगा है ना, बी कितना है बी माइनस में है, तो माइनस थ्री रूट थ्री एक्स। ठीक, प्लस सी कितना है सी सी वन। चलिए ये आपका क्वेश्चन टू था, है ना, देख लीजिए एक बार, इसको मैं मिटाऊंगा नहीं पूरा, है ना, इसी में बनाऊंगा। ठीक, चलिए सी नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर सी। ठीक, सी देखिए जीरो है और फाइव है, जीरो और फाइव, माइनस फाइव है क्या देख लें, नहीं जीरो और रूट फाइव है, हो रहा है कि नहीं भाई रिकॉर्डिंग, चल रहा। चलिए अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है जीरो, जो होता का है हम लोग जान रहे हैं, माइनस बी बाई ए होता है, ए कुछ नहीं मैंने वन है। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा भी दिया है आपको, कितना है रूट फाइव है, ये होता का है सी बाई ए होता है ना, तो ए आ गया आपका वन है ना, और बी जो है आपका जीरो हो गया है, तो आपका जो है आ जाएगा ए आपका वन बी जीरो, और सी आपका जो है आ गया, सी का नहीं गया भाई, सी सी रूट फाइव है। ठीक, तो आपका जो है हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बी माइनस बी है ना, माइनस बी जीरो है तो कुछ नहीं है ना, और सी कितना है रूट फाइव, तो प्लस रूट फाइव। चलिए
समझ में आ रहा है रामायण, है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सी। डी में आते हैं, आइए। पहले दिमाग नहीं दौड़ता है, तभी से जो है मैं लिख रहा था और अभी जो आइडिया आया, तो अब चलिए जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना। चौथा में चलते हैं। डी, ठीक। अल्फा बीटा दिया है 1, ये होता क्या है, माइनस बी बाई ए, ठीक। अल्फा इंटू बीटा दिया है, ये भी 1 है, ठीक। ये होता क्या है, नीचे कुछ नहीं मैंने 1 है, सी बाई ए, बस एकदम इजी। ए आपका 1, बी -1, यहाँ 1 है तो यहाँ माइनस है तो माइनस में आ जाएगा, ठीक। बाहर कुछ नहीं मैंने माइनस है, ठीक। चलिए, और सी आपका 1। ये में आपको दिक्कत होगा, अगर यहाँ माइनस अगर शुरू में दिया रहे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक। और कुछ नहीं मैंने माइनस में रहेगा। चलिए, तो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा, ए कितना आ गया, ए 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी -1 है ना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना। चूंकि प्लस लिखेंगे फिर माइनस लिखेंगे, माइनस ही आ जाएगा, माइनस एक्स और प्लस 1, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर डी था। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, और बहुत लंबा हो चुका है लेकिन क्लास, चलिए लास्ट क्वेश्चन। और चूंकि अभी लॉकडाउन चल रहा, तो आप लोग घर में प्रिपरेशन करें, है ना, ताकि फर्स्ट टर्मिनल का आपका एग्जामिनेशन बढ़िया हो। -1/4 और 1/4, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। क्या है आपको दिया हुआ, इसको थोड़ा सुन कर लेते हैं, है ना। अल्फा प्लस बीटा दिया है आपको, -1/4, ठीक। और ये हो जाता है क्या, माइनस बी बाई ए, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा 1/4, ये होता है सी बाई ए, ठीक। ए आपका 4, बी माइनस माइनस प्लस, चूंकि बाहर माइनस लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। 1 और सी, सी भी 1, गलती है का, ए तो ठीक है। चलिए, तो आपका आ जाएगा 4x², ठीक, और प्लस एक्स और प्लस 1, ठीक। एक बार देख लीजिए आप, गलती तो नहीं है, नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, आप सबको नमस्कार, जय हिंद। चलिए।